बीच ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की सलाह को ठुकरा दिया और बाइडेन ने नेतन्याहू को नसीहत दी थी कि वो न्यायिक सुधार बिल पर अपने कदम पीछे खींच लें, क्योंकि इसराइल में इस बिल के खिलाफ कई महीनों से जोरदार प्रदर्शन जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे लोग न्यायिक सुधार बिल को लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस बिल के जरिए नेतन्याहू अदालतों की ताकत कम करना चाहते हैं। साथ ही वो संसद को ऐसी शक्ति देना चाहते हैं कि अदालतों के फैसले भी पलटे जा सके। इतना ही नहीं, वो जजों की नियुक्ति में भी दखल चाहते हैं। इसी वजह से लाखों लोग उनके विरोध में इसराइल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद बाइडेन ने नेतन्याहू को सलाह दी कि वो ये बिल लाना भूल जाएं। लेकिन नेतन्याहू ने अपने साथी बाइडेन को ही सरेआम जमकर खरी खोटी सुना दी और वही बाइडेन जो ईरान के परमाणु बम के मुद्दे पर नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बाइडेन रोज ताल ठोकते हैं कि ईरान को रोकने के लिए वो इसराइल के साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू ने जो बोल दिया उससे बाइडेन को झटका लगना तय है, क्योंकि नेतन्याहू ने बाइडेन को ही ये नसीहत दे दी कि वो उनके घरेलू मसलों में टांग ना अड़ाएं। नेतन्याहू ने बाइडेन को जवाब देते हुए साफ कर दिया कि वो किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं है, फिर चाहे वो उनका सबसे अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के इस जवाब के बाद बाइडेन के साथ उनकी तल्खी बढ़ सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और इसी वजह से बाइडेन को लेकर नेतन्याहू के बोल बिगड़ गए हैं और वो खुलकर अमेरिका के खिलाफ अपनी बात रखने लगे हैं। हालांकि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ही नहीं बल्कि उनके बेटे येर नेतन्याहू ने भी कुछ रोज पहले अमेरिका पर निशाना साधा था, जब उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट रीट्वीट किए थे जिनमें इसराइल के प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका का हाथ बताया गया था। उन ट्वीट में ये आरोप लगाए गए थे कि इसराइल के प्रदर्शनकारियों को अमेरिका फंडिंग कर रहा है और इसी के बाद बाइडेन ने तब नेतन्याहू को पीछे हटने की सलाह दी जब उन्होंने 27 मार्च को बिल टाल देने का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के साथ ही नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि वो अप्रैल में इजरायली संसद के अगले सत्र में न्यायिक सुधार बिल फिर लेकर आएंगे और अब उन्होंने जिस तरह से बाइडेन पर पलटवार किया उससे ये साफ हो गया है कि जनता के भारी विरोध के बाद भी वो इस बिल को लागू करके ही दम लेंगे। उधर उत्तर अमेरिका के देश कनाडा में फिर बर्फीला तूफान आ गया और कनाडा के ऑन्टोरियो शहर में कड़ाके की ठंड के बीच भारी बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, क्योंकि वहां तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस बार की सर्दियों में कनाडा के ऑन्टोरियो शहर में दूसरी बार ऐसा तूफान आया जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो यहां सर्दियों का अंत ही नहीं होने वाला। कनाडा के कई शहरों में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने सैनिकों को पैसों का लालच दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक खास तरह का बोनस प्लान तैयार किया जिसके तहत रूस के सैनिकों को यूक्रेन में आगे बढ़ने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए कई तरह के ऑफर का ऐलान किया गया है, जिसका प्रचार प्रसार भी सरकारी वेबसाइट, लाइब्रेरी और सोशल मीडिया के जरिए जोर शोर से किया जा रहा है। कई जगहों पर तो इसके लिए पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। यानी जंग जीतने के लिए पुतिन अब पैसों को हथियार बना रहे हैं और किसी भी तरह से फौज में सैनिकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान कई बार रूस में सेना में सैनिकों की कमी की खबरें आई थी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि सैनिकों की कमी दूर करने के लिए पुतिन ने बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।